हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग नोट्स ऑफ मेजर स्केल। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको मेजर स्केल्स के बारे में डिस्कशन कर दिया था, फॉर्मूला भी बता दिया था। अब प्रैक्टिकली ये अप्लाई कैसा है हो रहा है और कैसे नोट्स को याद रखना है, ये मैं अभी सिखा देता हूँ। तो देखिए फार्मूला क्या है, 1 1 1/2 1 1/2, जिसे हम और भी दूसरे दूसरे नाम से जानते हैं, होल स्टेप, हाफ स्टेप, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर कॉन्सेप्ट, टोन, सेमी टोन। सो ये सारे अलग अलग तरीके से समझाए गए हैं, लेकिन बात एक ही है। तो यहाँ पर हमें सी मेजर स्केल को देखना है, तो सी मेजर स्केल में हमें समझना होगा कि कौन कौन से नोट्स आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सी के बाद एक स्टेप हमने जंप किया फार्मूला के हिसाब से, या होल स्टेप जंप किया, ठीक है, इसे हम लोग होल स्टेप बोलते हैं, या एक टोन जंप किया। तो सी के बाद डी, जनरली हमें पता है सी के बाद सी शार्प आता है, लेकिन वो हम अकॉर्डिंग टू स्केल रूल और फार्मूला वो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी के बाद डी। फिर डी के बाद क्या लिखेंगे? आता है डी के बाद डी शार्प आता है, लेकिन लिखेंगे क्या? ई लिखेंगे, यहाँ होल स्टेप का जंप है, ठीक है। ई और एफ के बीच में कोई शार्प्स एंड फ्लैट्स नहीं आता। ऑब्वियसली ये मेजर स्केल का जो फार्मूला है, आपको इसको ठीक तरीके से अप्लाई करने के लिए शार्प्स और फ्लैट्स की नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देखो और फिर वापस यहाँ पर आओ। सो ई और एफ के बीच में कोई शार्प्स एंड फ्लैट्स नहीं होता, ये हाफ स्टेप का डिफरेंट जंप है। ओके, नेक्स्ट इज F के बाद F शार्प होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्केल क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? G, क्योंकि हमने यहाँ पर जंप किया होल स्टेप का। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी होल स्टेप का जंप किया, इसलिए हमने G शार्प नहीं लिखा, ठीक है। अब ये शार्प फ्लैट के जो भी नोट्स दूसरे स्केल में आते हैं उसे भी मैं बता देता हूँ कैसे करना है, लेकिन वो सब सारे जो भी मेजर स्केल के नोट्स होंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस रूल ही होंगे, ठीक है। तो फिर ए के बाद बी, यहाँ पर होल स्टेप का जंप है। फिर बी के बाद सी, ये हाफ स्टेप का जंप है। बी के बाद सी क्यों होता है, या ई के बाद एफ क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद इसके अंदर में कोई एफ शार्प कोई शार्प और फ्लैट नहीं होता है, ओके, सो दिस इज द रीज़न। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं जी मेजर स्केल को कैसे हम निकालेंगे। तो जी मेजर के बाद जी नोट तो डेफिनेटली होगा, स्टार्टिंग नोट है हमारा। सो जी के बाद क्या नोट आता है? जी के बाद जनरली जी शार्प आता है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है? होल स्टेप का जंप करना है। तो जी के बाद क्या लिखेंगे हम? ए, ठीक है। फिर होल स्टेप का जंप करना है, यानी वन नोट आगे बढ़ना है छोड़कर। तो ए के बाद हमें क्या लिखना है? बी, जनरली ए के बाद ए शार्प आता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? बी, क्योंकि हम ये मेजर स्केल्स निकाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ओके, अब बी और सी के बीच में कोई क्या होता है? नोट नहीं आता है, राइट। सो हम डायरेक्टली यहाँ पर सी लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ये हाफ स्टेप का रूल आ रहा है, जिस तरीके से ई और एफ उसी तरीके से बी और सी। ओके, नेक्स्ट सी के बाद हमें होल स्टेप का जंप करना है, तो यहाँ पर हमने डी लिख दिया। डी के बाद होल स्टेप का जंप करना है, क्या लिखेंगे फिर? ई। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ ई के बाद एक स्टेप पर ही, हाफ स्टेप पर ही क्या होता है? एफ नोट आता है, ठीक है। लेकिन हमें कितना जंप करना है? होल स्टेप जंप करना है। तो होल स्टेप जंप करने के लिए हमें क्या लिखना होगा? एफ नहीं, एफ शार्प लिखना होगा। ओके, यहाँ पर ही फंडा आता है। ओके, एफ शार्प के बाद कौन सा नोट आता है? जी नोट। सो F शार्प और G के बीच में कोई एक्स्ट्रा नोट नहीं आता है, ये हमें पता है। तो अकॉर्डिंग टू ये स्केल हमें नोट्स ध्यान से याद रखना होगा, और हमें शार्प फ्लैट का नॉलेज अच्छा यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना होगा, ताकि आप इसको अप्लाई कर सकें। अब हम फ्लैट स्केल के और आते हैं, जैसे F मेजर स्केल। F मेजर स्केल में क्या होगा? F जंप करना है कितना? होल स्टेप। तो होल स्टेप एफ के बाद एफ शार्प आता है, लेकिन हमें लिखना होगा क्या? अकॉर्डिंग टू स्केल जी, एफ के बाद जी, उसी तरीके से फिर ए। अब यहाँ पर अब मजा का बात है कि ए
के बाद हमें पता है बी आता है, लेकिन यहाँ पर हमें हाफ स्टेप का जंप करना है। क्या कर जंप करना है? हाफ स्टेप, यानी हाफ या सेमी टोन, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ए के बाद हम बी नहीं लिख कर क्या लिखेंगे? बी फ्लैट। ओके, ये बी फ्लैट होगा। फिर बी फ्लैट के बाद होल स्टेप जंप करना है, तो बी फ्लैट के बाद बी आता है, फिर सी आता है। तो आप अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये समझ लीजिए, ये बी फ्लैट जो नोट है वही ए शार्प वाला ही नोट बैठेगा। ओके, वही बजेगा, लेकिन यहाँ पर थ्योरेटिकली हमें लिखना है क्या? बी फ्लैट, क्योंकि हमें यहाँ पर ए शार्प का जो नोट है वो दूसरे स्केल्स में आता है, वो वहाँ डिनोट करना है। ओके, ये फ्लैट स्केल का और शार्प स्केल्स का एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, ये करना। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए ये किया गया है। ओके, सो बी फ्लैट, बी सी लिखेंगे, यहाँ पर होल स्टेप का जंप। बी फ्लैट, बी फ्लैट के बाद बी आता है, फिर सी आएगा, लेकिन वो बी हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या? सी। नेक्स्ट इज होल स्टेप अगेन, सी के बाद क्या लिखेंगे? डी। ओके, फिर होल स्टेप अगेन क्या आएगा? डी के बाद ई आएगा, और हमें पता है ई और एफ के बीच में कोई भी नोट नहीं आता, शार्प फ्लैट नहीं आता है, तो हाफ स्टेप हमने जंप कर लिया। तो इस तरीके से आपको हर एक स्केल के नोट्स याद रखने हैं। अगर आप ये स्केल्स के नोट एक बार याद कर लेते हो तो आगे चलकर आपको बहुत आसानी होगी, जब आप कॉर्ड्स कंस्ट्रक्शंस के बारे में सीखोगे, जब आप ट्राइड्स के बारे में सीखोगे, और यही बेस है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी लापरवाही करते हो तो पूरा जो नॉलेज आप गैदर कर रहे हो या आगे चलकर आपको जो नॉलेज चाहिए होगी वहाँ आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर याद करने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो ये लिख कर याद करिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे जिस तरीके से मैंने स्केल पर स्केल लिखा है उस तरीके से आप लिख कर याद कीजिए। इसको अगर आप कर लेते हो तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव वे होगा अपने म्यूज़िकल थ्योरी को स्ट्रॉन्ग बनाने की। ओके, तो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू हैव स्टिल अ कन्फ्यूजन प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑफ दैट, या मैं वहाँ पर कोई भी रिप्लाई करके आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू एवरीवन।